गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1, ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपने मेरे लास्ट वीडियोस में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, फॉर एग्जांपल एक्सियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल कोएक्सियल पोजीशन, टॉर्क, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट आपने वीडियोज़ में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसा आता है। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। स्टूडेंट, बिल्कुल इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड प्रूफ फॉर ऑर्बिटरी सरफेस, ठीक है। ऑर्बिटरी क्लोज्ड सरफेस बोला जाता है। तो सर, कहीं ना कहीं अगर जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या लाइफ में सिर्फ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर हम समझ सकते हैं, बट रियल लाइफ में सर गॉस थ्योरम का यूज़ क्या होता है और गॉस थ्योरम क्यों यूज़ होती है, ठीक है। गॉस थ्योरम जो है, ठीक है, वो रिलेशन, क्या बताया मैंने, गॉस थ्योरम रिलेशन को डिफाइन करती है। किसके बीच में? तीन चीज़ों के बीच में, ठीक है। सबसे पहले याद रहेगा क्लोज्ड सरफेस, क्या बोला मैंने, ठीक है, कौन सा सरफेस बोल रहा हूँ मैं, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने बहुत सारी सरफेस देखी होगी, ठीक है, पर्टिकुलर, वेरी गुड, आप मेरी बात समझ गए, ठीक है। जो एक क्लोज पॉइंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस थ्योरम क्या करती है, ठीक है, गॉस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस, नेट चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, ध्यान सुनेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या करता है, क्लोज्ड सरफेस, नेट चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम एंड प्रूफ फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो जरा स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, मैंने स्टेटमेंट कहीं ना कहीं फाई ई इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू याद कर लीजिए, ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सब आपको रटना नहीं है, मैं इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फाई ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही पढ़ूंगा। एंड थर्ड, इसको क्या बोलेंगे, नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या। आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि सर व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, अगर जो, ठीक है, मैं अपने घर पे नल ले रहा हूँ, ठीक है, पानी का नल है, ठीक है, पानी के नल से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ऑब्वियसली सर, पानी निकलेगा, सरफेस पे गिरेगा और वहाँ से छींटे निकलेंगे, तो वो जो छींटे हैं मैं उसको फ्लक्स समझूंगा, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वाटर फ्लक्स। अगर जो यही गेम मैग्नेट के साथ हो तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और यही बात अगर जो इलेक्ट्रिक के साथ होगी तो मैं उसे क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है? तो सर मैंने बोला है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताना है स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, तो रटना नहीं, हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोलूँगा द नेट, नेट मतलब होता है सर टोटल, तो मैंने सबसे पहले बोला द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोला सर मैंने, ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंड नंबर पे इक्वल को आप क्या बोलते हैं, विल बी इक्वल, डेफिनेशन बनाइए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल ऑफ, विल बी इक्वल ऑफ, विल बी इक्वल ऑफ वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डॉट डॉट मतलब होता है इनटू, और इनटू को हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, टाइम्स, याद रहेगा। चलिए स्टूडेंट मेरे साथ डेफिनेशन सुनिए एक बार और, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल ऑफ वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस तो हमको लेना ही है सर, गॉस थ्योरम जहाँ पर भी है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए होती है, मैंने ये पहले ही बता दिया है। तो सर फिर से डेफिनेशन देखिए, इसको स्टेटमेंट बोलूँगा, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be equal of 1 upon epsilon naught times of total charge present in closed surface। बोले इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट आपको ऊपर लिख के बताया है, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूँ आपके सामने, मैंने स्टेटमेंट वहाँ पे जो अभी हाल आपको बताया वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इट। मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको इस फॉर्म में, ठीक है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर स्टेटमेंट हो चुका। बट सर अगर जो हमको थोड़ा सा और एडवांस चलना है तो हम बोलेंगे बाय
डेफिनेशन ऑफ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहले ही बता चुका हूँ, अगर जो आपको याद नहीं है तो आप लास्ट वीडियोस में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, फाई ई इक्वल टू, ठीक है जल्दी से बताइए, सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, ठीक है। स्टूडेंट आपको पता होगा इंटीग्रेशन भी तीन तरह का होता है, ठीक है। पहला टाइप है लीनियर इंटीग्रेशन जो कि 1D होता है, उसके बाद होता है सरफेस इंटीग्रेशन दैट मीन्स सर 2D, और तीसरा होता है सर वॉल्यूम इंटीग्रेशन दैट मीन्स सर 3D। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ ई विल बी इक्वल ऑफ सर्फेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। जरा ध्यान से देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर जो मैं दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दूँ, सर मर्ज मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, दोनों के एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉपर स्टेटमेंट समझ आया होगा, ठीक है, मैं इसी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया इस थ्योरम का, द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमको इसको डेरिवेशन में कन्वर्ट करना है। सर डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, सर मुझे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आएगा। तो ध्यान से देखिए सर, इस पूरे स्टेटमेंट में मैंने एक वर्ड का यूज़ करा है, क्लोज्ड सरफेस। तो सबसे पहले, ठीक है, मैं एक डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर ये एक रिजिड बॉडी है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिजिड बॉडी, मतलब इसका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है। आप बोलेंगे सर मैंने कुछ बुक में देखा ये सरफेस के फॉर्म में है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्पेयर के फॉर्म में, सॉरी सरफेस नॉट अ स्पेयर। तो सर आप इसको स्पेयर के फॉर्म में बनाइए, आप इसको ट्राइंगल शेप में बनाइए, आप कोई सा भी शेप बनाइए, बट ये पर्टिकुलर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस। आपको दिख रहा है सर ये, तो लेट वी कंसिडर कैपिटल एस इज अ एनी क्लोज्ड सरफेस। सर एस मतलब सर किसी का भी तो सरफेस होता, तो मैं सरफेस को कैसे डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल एस, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है कैपिटल ओ, लेट वी कंसिडर कैपिटल ओ इज अ एनी पॉइंट इन बिटवीन क्लोज्ड सरफेस कैपिटल एस, ठीक है, जिस पर मैंने एक चार्ज रख दिया है सर प्लस क्यू। बात समझ आ रही है, ठीक है, बड़े प्यार से देखिएगा, ठीक है। सर ये क्या करा आपने, लेट वी कंसिडर पी इज अ एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, नई चीज है, थोड़ा ध्यान से बताऊंगा, लेट वी कंसिडर पी इज अ एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। ये कहाँ पर है सर, ये पर्टिकुलर उसकी सरफेस पर है। सर अगर जो ये टोटल सरफेस कैपिटल एस है, तो मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लूंगा, तो स्मॉल पार्ट कैसे डिनोट होता है, आप जल्दी से मुझे बताइए। सर मैं समझा देता हूँ, मैथमेटिक्स क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बार बार, ठीक है, डी एक्स डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी एक्स, डी दैट मीन्स अ सिंबल ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री। स्मॉल एलिमेंट्री मतलब अगर जो ये सरफेस है, तो मैं इसे बोलूँगा स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस। अगर जो ये वायर होता और ये लेंथ होता, तो मैं बोलता स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। अगर जो ये वॉल्यूम के फॉर्म में होता है, एक छोटा सा पार्ट होता, तो मैं बोलता स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम। मतलब सबसे पहले मैंने डायग्राम में क्या बनाया है, लेट वी कंसीडर कैपिटल एस इज अ एनी क्लोज्ड सरफेस। बात समझ आ गई, एक रिजिड बॉडी है, उसके अंदर कोई एक पॉइंट है ओ, जिस पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू। पी हर एक डेरिवेशन की तरह यहाँ पर भी पी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो कि उसकी सरफेस पर है, ठीक है। और वहाँ पर मैंने क्या डिफाइन करा, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस डी एस लिया है। अब बात समझ आई, डी एस दैट मीन्स अ टोटल पार्ट, डी मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट, तो एस का यहाँ पर कितना हो जाएगा डी एस। अगर जो आप इसको ए बोलते, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट, डी ए। तो जल्दी से मुझे बताइए, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब लेट वी कंसिडर अ डिस्टेंस बिटवीन द ओ एंड पी विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल आर। सर ऐसा आपने क्यों करा, सर आप हर डेरिवेशन में देख रहे हो, चाहे वो कूलम्ब्स लॉ हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक्सियल पोजिशन हो, ब्रॉडेंड साइड पोजिशन हो, मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो लेट वी कंसिडर अ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल आर। अब सर अगर जो चार्ज है तो वो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वेक्टर ई, बोली बात समझ आ गई सर। और ये जो डी एस है, इसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो मैंने उसको बोल दिया वेक्टर डी एस। और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा,
ठीक है सर, ये एक रिजिड बॉडी है, मैं इसके शेप को देख के एंगल डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, तो एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये डेरिवेशन करने के लिए इतनी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब ठीक है ध्यान से सुनना ये जो मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है इसलिए। ठीक है, पर्टिकुलर ये जो छोटा सा पार्ट है, दैट मीन्स अ स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस, तो स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस जब सेंटर पे एंगल बनाता है, ठीक है, होचपोच तो नहीं हो रहा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आर को थोड़ी देर के लिए आपके सामने से हटा देता हूँ, आपको आर समझ आ गया है। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस, ठीक है, पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस जब सेंटर पे एंगल बनाता है तो उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोला सर? सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय डी ओमेगा। आपने ओमेगा पढ़ा है क्लास 11th में। चलिए, तो सर कहीं ना कहीं हमको स्टेटमेंट समझ आ गया। सर हमने एक डायग्राम प्लॉट करा, वेरी गुड। अब डायग्राम है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है लेट एनी पॉइंट ओ, बिल्कुल ठीक, मैंने एक पॉइंट लिया है ओ, ठीक है, इनसाइड एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, जिस पर कोई एक चार्ज रखा मैंने प्लस क्यू, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर। जो जो बात मैंने बोली थी वही यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट करी है। और ई क्या है? ई दैट मीन्स आ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन तक समझ आया होगा। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी डायग्राम देखा है, डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन देखा, लास्ट पार्ट ऑफ डेरिवेशन जिसका नाम है डेरिवेशन, तो समझ ही गए होंगे आप मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मुझे इस स्टेटमेंट को ड्राइव करना है, दैट मीन्स आ फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आई रिपीट, फाई ई दैट मीन्स आ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट मीन्स आ वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या बोल सकता हूँ ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, क्यू दैट मीन्स आ नेट चार्ज एसोसिएट विद द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अगर जो हम ये ड्राइव कर लेते हैं मतलब गॉस थ्योरम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कौन से पॉइंट पे लूँगा स्टूडेंट्स? ऑन पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट ओ, या तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू, डिपेंड्स ऑन यू। तो सर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे बताइए। ठीक है, E इक्वल टू, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आप वेक्टर में लिखिए, और वेक्टर में नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज, सर कौन सा चार्ज? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बोल रहे तो प्लस क्यू चार्ज लीजिए, अपॉन में डिस्टेंस, ओ और पी के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है पूरे का होल स्क्वायर। जल्दी से, ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्शन आपसे पूछूंगा, अगर जो आप यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। जरा देखिए, ओ और पी के बीच में आपको कहीं पे भी डायरेक्शन दिख रही है क्या? नहीं सर, आगे थोड़ा सा दिखे तो सर मुझे डायरेक्शन ओ से पी मिल रही है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा? ओ पी। चलिए, सेकेंड स्टेटमेंट आप बताएंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, क्यू अपॉन में ओ पी, ओ पी दैट मीन्स आर स्क्वेयर। क्या नया करा है सर? हमने चार्ज के आगे का प्लस साइन हटा दिया है, तो रीज़न बताना पड़ेगा, इनफॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा। ई इक्वल टू कितना हो चुका, मैं इसको इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे। ठीक है, आपने अगर जो ये डेरिवेशन देखा होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड का यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, इसके दो फॉर्म है, ठीक है, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी एस। जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है सर, ये जो मैंने फॉर्म लिखा ये वेक्टर के फॉर्म में, अगर जो मैं वेक्टर से स्केलर में रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, मैं स्टूडेंट आपसे एक बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, सर ये जो है वेक्टर ई और वेक्टर डी एस, इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन दिख रहा है? डॉट दिख रहा है या क्रॉस? सर डॉट है, डॉट का मतलब होता है जब मैं स्केलर में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, बात समझ आ रही है? अगर जो यहाँ पर क्रॉस होता तो मैं यहाँ पर कितना लिखता? साइन थीटा। सर टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड,
ठीक है, अगर जो मैं इस तरफ भी इंटीग्रेशन लूँ और इस तरफ भी इंटीग्रेशन लूँ, ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कौन सा इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो आप डेरिवेशन को देखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही सरफेस की, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया सरफेस इंटीग्रेशन। अब मुझे आप बताइए क्लास 11 का एक सिंपल सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx कितना होता है स्टूडेंट, x, इंटीग्रेशन dy कितना होता है y, इंटीग्रेशन dz कितना होता है z, तो इंटीग्रेशन d phi कितना होगा सर, phi होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सरफेस इंटीग्रेशन e ds cos theta बिल्कुल सिमिलर है, आपको इतनी बात समझ आ गई जल्दी से, ठीक है। बाय इक्वेशन फर्स्ट, अगर जो मैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट करूं, ई की वैल्यू को, तो मेरे पास स्टेटमेंट आ गया 1/4π एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, ठीक है, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ठीक है, चलिए आगे देखिए, फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं, ठीक है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने माइंड में होना चाहिए सर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, क्यू अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट कॉमन फैक्टर बनेगा, और आप मन में सोच रहे होंगे सर ऐसा है क्यों, तो मैं उस बात को भी अभी आपको समझाऊंगा। सरफेस इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड एंगल, ठीक है, जब मैंने ये डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करा था तो मैंने कहीं ना कहीं बताया था ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, यहाँ पर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ डी ओमेगा, आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या बोला है, डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर किसके इक्वलेंट होता है, ठीक है, डी ओमेगा के। हाँ स्टूडेंट देखिए ध्यान से, इस पूरे की प्लेस पे मैं कितना लिख सकता हूँ, डी ओमेगा, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा विल बी इक्वल ऑफ 4π, ये उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में 4π एप्सिलॉन 0 और इस पूरे की जगह पर, ठीक है, चलिए स्टूडेंट जल्दी से, 4π विल बी कैंसल बाय द 4π, तो मुझे आंसर कितना मिल चुका है, 1/ε0 इंटू क्यू, और मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा ये किसका स्टेटमेंट है, गॉस थ्योरम का, ठीक है, छोटा सा रिकॉल, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें ई की वैल्यू को पुट करा है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ डी ओमेगा, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डी ओमेगा विल बी इक्वल ऑफ 4π, 4π से 4π कैंसिल, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, थैंक यू सो मच।